सालों साल ये चिप्स बना करके स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इस स्वाद और टेस्ट इस चिप्स का होता है। देखिए हमने बहुत ढेर सारे पापड़ चिप्स बना करके फैला लिए हैं इस पे, तो ये लीजिए सुपर टेस्टी हेल्दी मेरा चिप्स बन करके एकदम से रेडी है। इसमें तेल भी ज़्यादा नहीं अपने अंदर लेता है, ये बहुत ही बेहतरीन एकदम हल्का मेरा ये चिप्स है। चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाते हैं, एकदम हल्का है, खाने में मुंह में तुरंत घुलने वाला ये चिप्स है। हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सूजी का चिप्स बनाने वाली हूँ होली स्पेशल। बहुत सारे लोग चिप्स बना रहे हैं, हम भी सोचे हैं थोड़ा चिप्स बना दूं, क्योंकि मैं बहुत पहले इस सूजी से चिप्स बना चुकी हूँ, तो हमने सोचा है कि आप लोगों से भी शेयर करूं इस चिप्स का, क्योंकि बहुत कम सूजी में बहुत ढेर सारा चिप्स बन करके रेडी होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच छोटा चम्मच तेल। रिफाइन ऑयल है, आप चाहें तो कोई भी तेल ले सकते हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच है तीनों चीज मिला करके जीरा, जवाइन और मंगरेल एक चम्मच, इसे भी इसमें चटकने देती हूँ। अब आधा चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर आपको लहसुन नहीं पसंद हो तो नहीं डालें। अच्छे से चटक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये जो सूजी लिए थे, और इसे हल्का हल्का भूनना है, एकदम हल्का भूनना है, ज़्यादा नहीं। जो अदरक लहसुन है ये, इसका टेस्ट अच्छे से इसमें मिल जाए। आप अदरक लहसुन नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर दें। अब ये देखिए मेरा भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे हम इसमें पानी। देखिए हम इस गिलास से, छोटा गिलास से चार गिलास पानी अभी हम इसमें ऐड किए हैं, अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। पानी का जरूरत आगे लगे तो डाल सकते हैं, फिलहाल अभी जरूरत नहीं लगेगी। आधा चम्मच नमक, नमक कम ही लगता है चिप्स में, एक चुटकी काली मिर्च पाउडर। अब ये सारे चीज को अच्छे से पका लेना है, एकदम पतला घोल के जैसे बनाना है। एक बार में ढेर सारा चिप्स बन करके रेडी होगा, एक एक करके बॉयल करने का उबालने का झंझट से मुक्त हो जाएंगे आप, एक बार में ढेर सारे बना लेंगे। इसे एकदम बढ़िया पतला घोल तैयार करना है हमें। चिप्स में हमने अदरक लहसुन का इस्तेमाल इसलिए किए हैं ताकि टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा बन करके होगा, बहुत अच्छा लगता है अदरक लहसुन डालकर, इसलिए हमने अदरक लहसुन का यूज किए हैं। आप चाहें तो हरी मिर्च अदरक लहसुन का चटनी बनाकर इसमें डाल दें, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ही बढ़िया इसे पका लेना, एकदम बढ़िया जो सूजी है मेरा एकदम बढ़िया से पक जाए। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है, एक चम्मच काफ़ी है इसके लिए। इसे एकदम बढ़िया से मिला लेना है, कॉर्नफ्लोर जो है मेरा एकदम बढ़िया मिल जाए इसमें। देखिए मेरा ये सूजी का घोल एकदम बढ़िया पक चुका है, एक ऐसा ही घोल चाहिए, इससे ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, एकदम बढ़िया परफेक्ट मेरा ये घोल रेडी हुआ है। अब हम गैस को करेंगे बंद, बहुत ही कम टाइम में ये सूजी का चिप्स बन जाता है। गैस को बंद कर देंगे। इस तरीके के प्लास्टिक हमें चाहिए इस चिप्स को बनाने के लिए, अगर आपके पास कोई भी हो तो चलेगा प्लास्टिक। इस पर हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ताकि मेरा ये चिप्स जो है चिपकेगा नहीं, आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि प्लास्टिक पे हमने तेल अच्छे से लगा लिए हैं, बिना तेल के भी निकल जाता है, लेकिन तेल लगा लेने से एकदम इजी निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इस तरीके से हम चम्मच की सहायता से छोटा छोटा चिप्स रेडी कर लेंगे, अगर आपको बड़ा साइज चाहिए तो आप बड़ा भी ले सकते हैं। एक बार में ढेर सारे पापड़ तैयार हो जाता है इस तरीके से आप बनाएंगे चिप्स को। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आता है तो आप दो दिन इसे पंखे के नीचे सुखा लेंगे तो भी सूख जाएगा ये, पर धूप दिखाना तो ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, थोड़ा धूप तो दिखाना ही चाहिए।
देखिए हमने बहुत ढेर सारे पापड़ चिप्स बना करके फैला लिए हैं इस पे प्लास्टिक पे। अब हम इसे एक दिन का धूप दिखाएंगे, उतना में मेरा ये चिप्स एकदम से रेडी हो जाएगा। अभी आप डायरेक्ट धूप में नहीं जाना चाहते हैं तो 2-3 घंटा के लिए पंखे के नीचे आप रख दीजिए, उसके बाद ही उठा करके ले जाके धूप में रखिए, तो आपका चिप्स एकदम आसानी से बन जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी ये चिप्स होता है। ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली चिप्स, बहुत अच्छा लगता है ये चिप्स ज़रूर बनाइएगा। बहुत कम सामान में बहुत ढेर सारा चिप्स बन करके रेडी होता है, हमने भी बना लिए हैं। अब हम इसे धूप में ले जाएंगे, 2-3 घंटे के बाद ले जाएंगे, नहीं तो एक दूसरे में चिपक जाएगा। 2-3 घंटा में एकदम अच्छा से सेट हो जाएगा, फिर हम धूप में ले जा करके इसे आसानी से रख देंगे। एक दिन में एकदम आसानी से ये पूरे धूप में एक दिन में ये चिप्स सूख जाएगा। अब ये चिप्स सूख जाएगा तब हम आपसे फिर मिलते हैं। ये देखिए मेरा चिप्स एकदम अच्छे से सूख चुका है, एकदम बढ़िया एक दिन में ही सूख गया है। अगर कड़ा धूप है तो एक दिन में सूख जाता है, तो धूप अच्छा ना हो तो 2 दिन लग सकता है। बहुत ही बेहतरीन मेरा ये चिप्स बन चुका है, ये पूरा सालों साल ये चिप्स बना करके स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इस स्वाद और टेस्ट इस चिप्स का होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये 1 चम्मच जो हमने तेल डाला था उस तेल की वजह से देखिए इसमें लाइट भी बहुत अच्छा है और ख़राब होने का बिल्कुल चांस नहीं होता है, नरम भी नहीं होता है। 1 चम्मच तेल डाल के बनाने से बहुत ही खास बात है इस चिप्स में। तो चलिए मैं आपको तल के दिखाती हूँ। देखिए मेरा तेल एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है, तेल गर्म हो जाए तभी चिप्स को डालना है। वाह कितना बढ़िया ये निखर के आया है इसका कलर, और खाने में तो पूछिए मत कितना बढ़िया टेस्ट इसका है। तो ये लीजिए सुपर टेस्टी हेल्दी मेरा चिप्स बन करके एकदम से रेडी है। इसमें तेल भी ज़्यादा नहीं अपने अंदर लेता है, ये बहुत ही बेहतरीन एकदम हल्का मेरा ये चिप्स है। चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाते हैं, एकदम हल्का है, खाने में मुंह में तुरंत घुलने वाला ये चिप्स है। देखिए इस कटोरी से 1/4 कटोरी सूजी से इतना सारा चिप्स बन करके रेडी हुआ है। इसमें जो छोटा छोटा टिप्स है उसे आपको एकदम समय से ध्यान देना है ताकि मेरा चिप्स खराब ना हो। और इस गिलास से 4 गिलास हमने पानी डाला है और इसे 1/4 कटोरी सूजी था मेरा, उतना में मेरा इतना सारा चिप्स बन करके रेडी हुआ है, वो भी बहुत ही टेस्टी ये मेरा चिप्स है, एकदम मुंह में घुलने वाला हल्का एकदम है ये चिप्स। आपको मार्केट से चिप्स खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं, आप घर के चिप्स बनाया हुआ मेहमानों को खिलाइए, मेहमान एकदम खाकर खुश हो जाएंगे। और मेरा चिप्स आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जरूर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।